दोस्तों आपको जानकर ये काफी ज्यादा अच्छा लगेगा कि इंडिया की पहली रैपिडेक्स ट्रेन में लगने वाले किराए को लेके अब खुलासा हो चुका है। और दोस्तों इस ट्रेन के अंदर आप 160 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार को एंजॉय कर पाएंगे। और गुड न्यूज ये है कि बताया जा रहा है कि आप इस ट्रेन में इसी महीने यानी कि जून के महीने में ही ट्रेवल कर पाओगे। और अगर बात करें इस ट्रेन में लगने वाले किराए के बारे में तो दोस्तों आप केवल 15 रुपए देकर इस ट्रेन के अंदर ट्रेवल कर पाएंगे, जो कि काफी ज्यादा हमें कम देखने को मिलता है। और मैं आपको बता दूं कि रैपिडेक्स ट्रेन किसी भी ट्रेन या फिर मेट्रो के कंपैरिजन में बिल्कुल डिफरेंट आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि इस ट्रेन का जो डिजाइन है उसे एरोडायनामिक बनाया गया है। एरोडायनामिक होने के कारण ही इस ट्रेन की जो मैक्सिमम स्पीड है आपको 160 किलोमीटर पर आवर देखने को मिलेगी। और मैं आपको बता दूं कि इस ट्रेन को दिल्ली गाजियाबाद मेरठ आरएटीएस कॉरिडोर पे चलाया जाएगा, जो कि इंडिया का पहला आरएटीएस कॉरिडोर है। और पूरे दिल्ली गाजियाबाद मेरठ आरएटीएस कॉरिडोर की लंबाई 82 किलोमीटर होगी। और एनसीईआरटीसी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ऐसा बताया जा रहा है कि रैपिडेक्स ट्रेन को चलाने के लिए सभी प्रकार की तैयारियां की जा चुकी है, यहां तक कि ट्रेन के लिए एग्जिट और एंट्री पॉइंट्स को भी बनाया जा चुका है। और दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि दिल्ली गाजियाबाद मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर की लंबाई 82 किलोमीटर होगी, लेकिन अभी के लिए 82 किलोमीटर में से केवल 17 किलोमीटर लंबे सेक्शन को पब्लिक के लिए ओपन कर दिया जाएगा। और ये 17 किलोमीटर लंबा सेक्शन आपको साहिबाबाद से दुआई डिपो के बीच में देखने को मिलेगा। और अगर बात करें स्टेशन के बारे में तो यहाँ पर आपको साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुलदर, दुआई और दुआई डिपो जैसे स्टेशन देखने को मिलेंगे। और दोस्तों जो मैंने आपको इस ट्रेन में लगने वाले किराए के बारे में बताया है वो IIM अहमदाबाद के द्वारा तैयार किया गया है, और इस सर्वे की जो रिपोर्ट है वो NCERTC को भी सौंप दी गई है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका जो मिनिमम किराया होगा वो आपको केवल 15 से 20 रुपए देखने को मिलेगा। और अगर बात करें मैक्सिमम किराए के बारे में तो इस ट्रेन में लगने वाला मैक्सिमम किराया केवल 160 रुपए तक हो सकता है। बेसिकली IIM की टीम के द्वारा रूट स्लैब भी तैयार किए गए हैं, जैसे कि अगर आप केवल 5 किलोमीटर तक की दूरी के लिए ट्रेवल करते हैं तो उसके लिए आपको एक फिक्स्ड किराया देना होगा, और अगर आप 60 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी पर ट्रेवल करते हैं तो उसके हिसाब से आपको अलग किराया देना पड़ेगा। अब दोस्तों काफी लोगों का सवाल है कि ये ट्रेन दिल्ली से लेके मेरठ तक जाएगी तो दिल्ली से मेरठ तक लगने वाला किराया कितना होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप दिल्ली से मेरठ जाते हैं तो आपको केवल 160 रुपए पे करने पड़ेंगे। तो वेल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय।